नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। विगत दो दिन पहले जियो टीवी पाकिस्तान द्वारा किए गए खुलासे के बाद वजीर आजम हाउस के कंगूरे डगमगाने लगे हैं। जियो टीवी ने बताया था कि पाकिस्तान के अकेले लाहौर में 670,000 टोपीबाज तहमदवीन हो चुके हैं, यानी कम्युनिटी स्प्रेड के बम बने घूम रहे हैं। लेकिन जो दर्शक हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स देखते हैं, उन्हें इसका एहसास बहुत पहले ही हो चुका था। द ट्रिब्यून के हवाले से हमने पहले ही बता दिया था कि इमरान खान कैसे चीन के पदचिन्हों पर चलकर आंकड़ों में हेराफेरी पर उतारू है। दरअसल पाकिस्तान ने अपने यहां कोरोना के मामले कम दिखाने के लिए बड़ी चाल चली थी। पाक द्वारा कोरोना टेस्टिंग की लिमिट 5,000 से 7,000 के बीच रखी गई थी, मगर इसके बावजूद यहां पर 12% के लगभग पॉजिटिव केस सामने आ रहे थे। इसका साफ मतलब था कि पाकिस्तान में कोरोना एक बड़ी महामारी का आकार ले चुका है, जिससे यहां पर हुरों की डिमांड में बढ़ोतरी तय हो गई थी। वैसे हुआ भी यही, इमरान लोडे का यही दाव उसी के जी का जंजाल बन गया। अब हालत यह है कि न कोरोना से कुरान बचा पाएगी, न बेशरम सुल्तान की गधैया जबान बचा पाएगी, यानी उन मुल्लाओं का हुरों के पास जाना तय है जिन्हें गधैया नर्तक का विशेषज्ञ माना जाता है। पर जियो टीवी का यह खुलासा अभी भी अधूरा है। हम दो दिन से इंतजार में थे कि वह उस सच्चाई को जरूर सामने लाएगा, जिसकी दुनिया को बेसब्री से प्रतीक्षा है। जियो टीवी ने यह रहस्य उद्घाटन नहीं किया कि इस मदरसा मुल्क के कितने टोपीबाज हुरों की खोज में भागे हैं। आधिकारिक आंकड़ों में अभी तक झूठ के ऊपर झूठ परोसा गया है। पाकिस्तान अभी तक सच्चाई स्वीकारने से कतरा रहा है। अभी तक यही बताया गया है कि देश में कुल संक्रमितों की संख्या 80,463 है और केवल 1,688 टोपीबाज हुर मिलन आयोजन का हिस्सा बने हैं, जबकि द ट्रिब्यून और ईदी फाउंडेशन के मुताबिक 600 से ज्यादा शव प्रतिदिन तक दफनाए गए हैं और 15 मई तक ही 4,000 से ज्यादा शव इन कब्रिस्तानों में दफनाए जा चुके थे। अब जरा वे आंकड़े भी देख लीजिए जो पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करते हैं। भारत में 15 अप्रैल को मृत्यु दर 3.88 थी, जो कि 15 जून को 2.88 हो गई, मगर 15 अप्रैल को रिकवरी रेट 11% के लगभग था, जो 1 जून को 48% हो गया। यानी भारत कोरोना वायरस को परास्त करने की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में 15 अप्रैल को मृत्यु दर 4% से ऊपर थी, 1 जून को यह 5.22 हो गई। इसी तरह 15 अप्रैल को रिकवरी रेट 16% के करीब था, जो दो दिन पहले तक 18% के करीब ही पहुंचा है। मतलब यह पाकिस्तान का वह खेल था जिसे उसने कम टेस्टिंग की बदौलत अंजाम दिया है। पर इसी बीच वह लोग भी कोरोना की चपेट में आते चले गए, जहां न तो सरकार पहुंच पाई और न उन तक पहुंचने की जरूरत समझी गई। पर असली मामला तो अभी पाकिस्तान की बैंड बजाने जा रहा है। इमरान लोंडा लॉकडाउन को पूरी तरह खोल चुका है। देश की अर्थव्यवस्था की जद्दोजहद से उसे रूबरू होना है, परंतु लोग सड़कों पर आ चुके हैं और कर्ज के ऊपर चलने वाली अर्थव्यवस्था पाकिस्तानियों के लिए बड़ा मर्ज बनने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के छिछोरे टोपीबाज इमरान से कम नहीं है। यह पतलून गीली किए बिना नहीं मानेगी और कोरोना इन्हें कोने में घुसेड़े बगैर थमेगा नहीं। मतलब पाक की मस्जिदें और आतंकियों के मदरसे ही इनके लिए कब्रिस्तान बनने जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि इमरान सरकार टेस्टिंग स्पीड को अभी भी कछुआ चाल से चला रही है। वैसे यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि जिस मुल्क की असेंबली के स्पीकर से लेकर सांसद एवं उनके रिश्तेदार कोरोना का शिकार बन चुके हैं, वहां के धरातल हालात कितने गंभीर होंगे। यहां भूख से लुढ़कने वालों को हार्ट पेशेंट बताया जा रहा है, जबकि कोरोना से मरने वालों को दमे और शुगर का मरीज बताते हैं। मतलब कोरोना से हुई 100 मौतों में से बामुश्किल 6 या 7 को स्वीकार किया जा रहा है। पर पाकिस्तान की इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि उसके पास अस्पतालों से ज्यादा परमाणु बम हैं। पूरे पाकिस्तान में सरकारी और प्राइवेट समेत कुल 137 अस्पताल हैं, जिसमें जिन्ना हॉस्पिटल को सबसे अच्छा माना जाता है, मगर यहां के बेड भी मरीजों से पूरी तरह भर चुके हैं। लोग बगैर बेड के गलियारों में पड़े हुए हैं, जहां जैसे तैसे उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जिन चिकित्सकों पर इनके इलाज की जिम्मेदारी है, उनके पास मास्क और पीपीई किट तक नहीं है। ऐसे में मुल्ला जी तो अजगर जाएंगे ही, साथ में बेगम की कोठरी में सांप बिठा कर भी जाएंगे। यानी दोनों में से एक का लुढ़कना तय है। अगर खुद नहीं लुढ़के तो कोई और टोपीबाज इनके हत्थे चढ़ेगा। जियो टीवी के आंकड़े भी इससे ही प्रेरित है। पाकिस्तान में कोरोना की आड़ में यही खेल चल रहा है कि तुम मेरी पीठ पर खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर खुजाऊंगा। इसी खाज बुझाने के चक्कर में इन टोपीबाजों ने पूरे पाकिस्तान में कोरोना फैला दिया है। रही सही कसर रमजान में तशरीफ भिड़ाने ने पूरी कर दी है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया को देखने को मिल रही है। परंतु ये नतीजे यहीं तक सीमित नहीं रहने वाले हैं।
अगले कुछ दिनों में यहां से कुछ और बड़ा सुनने को मिल सकता है और यकीनन वह इमरान का घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।